स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल इनसेक्ट पर, जहां मैं आपको बताता हूं मोबाइल ऐप्स के बारे में। आज मैं बताने वाला हूं एक ऐसे ऐप के बारे में जिसमें आपको काफ़ी तरह की स्टोरीज पढ़ने को मिल जाएंगी, सुनने को मिल जाएंगी। खास बात यह है उस ऐप की कि आप उसमें कोई भी स्टोरीज को सेव कर सकते हो और बाद में उसे ऑफलाइन पढ़ सकते हो। इसके अलावा आप जहाँ छोड़ोगे वहीं से आपका टॉपिक या वहाँ से वो स्टोरी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। इसमें काफ़ी तरह की स्टोरी हैं, लव स्टोरीज भी हैं, सैड स्टोरीज भी हैं और भी काफ़ी तरह की हैं। और ये आपको 12 भाषाओं में अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, मराठी, बहुत सारी लैंग्वेज। तो बिना देर किए चलिए कर लेते हैं प्ले स्टोर ओपन, देखते हैं इस ऐप के बारे में। मैंने जिस ऐप की बात की थी उस ऐप का नाम है प्रतिलिपि, PRATILIPI प्रतिलिपि। ये ऐप पूरा ओपन ही हो चुका है। ओपन इसके आप रेटिंग अगर देखते हैं तो इसको रेटिंग मिली हुई है 4.6 स्टार की और इसको रिव्यू किया है 124,000 लोगों ने। उसके अलावा इसे 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं। इसके अलावा इसमें दिखाए हुए कुछ फीचर्स ये भी देख लेते हैं। यह है इसका कुछ, ये इसका पुराना फीचर्स है जिसमें ओनली 9 लैंग्वेज थे, लेकिन अभी इस ऐप के अंदर 12 लैंग्वेज हो चुकी हैं और भी लैंग्वेज इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो चुकी हैं। तो कर लेते हैं इस ऐप को ओपन और देखते हैं इसके बारे में और भी खासियत और भी क्या क्या बेस्ट चीज़ें हो सकती हैं इस ऐप के अंदर लैंग्वेज के अलावा। तो ये ऐप ओपन हो चुका है और आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी 12 लैंग्वेज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नाड़ा, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगू, उर्दू, इंग्लिश। तो हिंदी हम सेलेक्ट कर लेते हैं अभी के लिए। उसके बाद ये होता है आगे प्रोसेस, ये मांगता है लॉगिन साइन अप का ऑप्शन। तो यहाँ से कर लेते हैं हम सीधा इसको डायरेक्ट लॉगिन अपने गूगल अकाउंट से। ये ऐप ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पे आपको दिख रही है कुछ स्टोरी जैसे दिख रहा होगा मौत की चीख है, शिवाली की छदारी नागिन। तो यहाँ काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग स्टोरीज पढ़ने को मिल जाती हैं। तो आप ये ऐप एक बार इंस्टॉल करके जरूर ट्राई करें अगर आप स्टोरीज पढ़ने के शौकीन हैं। यहाँ आ जाती है लाइब्रेरी जहाँ हम अपना कोई भी सेलेक्ट करके रख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ अगर कम ऑप्शन भी है इसमें, अगर आप कोई स्टोरीज लिखना चाहते हैं या शेयर करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ लिख कर शेयर कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ जाता है अपडेट का ऑप्शन कि जो लोगों को हम फॉलो कर रहे हैं अगर वो कुछ भी डालते हैं तो उनका यहाँ हमको अपडेट मिल जाएगा, उनकी स्टोरीज हमें यहाँ देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा और भी यहाँ स्टोरीज हैं, आपको हर तरह की स्टोरीज इसमें देखने को मिल जाती है। यहाँ से हम श्रेणी में कैटेगरी में भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑडियो कहानियाँ, कॉमिक्स, प्रेम कहानियाँ, सस्पेंस और थ्रिलर कहानी। इस तरह की आप अगर करने को शौकीन हो तो ज़रूर ट्राई करें इस ऐप को एक बार और मुझे कमेंट में बताएं कि कैसा लगा आपको ये ऐप। और कुछ जानना हो तो मुझे वो भी पूछ सकते हो। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा देना जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहें। थैंक यू भाई।